क्या नाम है तुम्हारा? वारिस। अच्छा वारिस, पहले तो क्लैपिंग हो जाए वारिस के लिए। अपना जरा इंट्रोडक्शन करवाओ, अपने बारे में बताओ क्या करते हो, और फिर ये बताओ कि क्या दिखा रहे हो आज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वारिस है और मैं जब सैलानी में आने से पहले मैं मेरा जब कोई भी मतलब मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता था, तब मैंने मुझे लैपटॉप मिला पहली दफ़ा। जब मुझे लैपटॉप मिला तब पहले तो मैंने लैपटॉप इसलिए लिया था ताकि मैं एमएस ऑफिस सीख सकूँ, खाली एमएस ऑफिस सीख सकूँ। फिर जब मैंने एक दफ़ा मुझे एक ऐड आई कि बहुत से जो फ्रंट एंड और बैक एंड की जो जॉब्स मिल रही थी, तो मैंने कहा कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। फिर जब मैं फ्रंट एंड और बैक एंड का मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि HTML CSS और JavaScript आप सीख सकते हैं और फिर फ्रंट एंड की स्क्रिप्ट पर जॉब्स मिलती है। तो सबसे पहले तो मैंने एक है चैनल कोडिंग हैरी, तो उससे मैंने HTML सीखी, CSS सीखी और थोड़ी बहुत JavaScript सीखी। इसके अलावा मैंने 3-4 और लैंग्वेजेज है, जावा, C++ वो मैंने सीखी नहीं, पर मैंने उनको थोड़ा बहुत ट्राई आउट किया। मैं हर वीडियो देखता था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर जब मैंने HTML और CSS सीख ली तब मैं इधर आया सैलानी में, तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि सैलानी में भी ये सिखाते हैं। लेकिन मैंने जो है HTML और CSS की क्लास नहीं ली, मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में आ गया, क्योंकि मैंने HTML और CSS का कोर्स दे दिया तो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में आ गया। फिर यहाँ पहले तो मैं सर काशिफ के पास पढ़ा, सर काशिफ सुलेमान के पास। लेकिन फिर कुछ टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं सर सुलेमान मलिक की क्लास में आ गया। सर काशिफ की क्लास में मैंने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सीखी और वहाँ मैं अपने फेलो स्टूडेंट से भी मिला। उसके बाद फिर जब मैं सर इंजमाम की क्लास में आया तब हमने थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट और सीखे, फिर हमने रिएक्ट स्टार्ट किया। जब हमने रिएक्ट स्टार्ट किया तो रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले भी मुझे रिएक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने कुछ ऐप बनाई भी थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। इसके बाद फिर मेरे जो आज दिखाने वाला हूँ वो एक UI है, उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो है ये रिएक्ट पे बनी है फुल। ये इसके अंदर आपको HTML CSS पे नहीं बनी, ये रिएक्ट पे बनी है और नेटलिफाई को होस्ट की लिए। और एक तरफ मैंने इसके अंदर साइड बार बनाया हुआ है, एक वो प्रोफाइल पिक्चर है और इसके साथ साथ सर्च बार है। इसके बाद मैंने स्लाइड्स रखी हैं और इसके बाद मैंने स्टिकी जो साइड बार है उन दोनों को स्टिकी बनाया हुआ है। तो इसका सारा क्रेडिट सर इंजमाम मलिक को जाता है कि उन्होंने मुझे रिएक्ट सिखाई और मुझे रिएक्ट में इंटरेस्ट आया। इससे पहले जब मैं रिएक्ट नेटिव में काम करने की कोशिश कर रहा था तब मुझे रिएक्ट नेटिव में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने पहली दफ़ा कमांड रन किए तब सर इंजमाम मलिक ने मुझे सारे एरर्स को सॉल्व करना सिखाया। थैंक यू। मुझे यहाँ बैठ कर अपने स्टूडेंट को मजीद जानने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है क्लास में इतने सारे बैठे हुए होते हैं तो इतना मौका नहीं मिलता अच्छी तरह जानने का। तो ये बातें मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि पहले से इन्होंने इतना कुछ किया हुआ था और पहले HTML CSS का टेस्ट देकर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में, तो मैं समझा कि किसी दूसरे सेक्शन से ट्रांसफर होकर आए हैं। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट टेस्ट देकर और डायरेक्ट एंटर होकर। अच्छा वेल डन यार, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त आपने तो लेवल कर दिया।